नमस्कार साथियों, आज यहाँ पर ज्वाइनिंग रिपोर्ट बताने जा रहे हैं। हार्ट और डाटा इंटरप्रेटर के लिए आज भी लिस्ट जारी की गई है। 33 कैंडिडेटों का जो नाम है, और ये हरियाणा शिक्षा जो परिषद है वहाँ पर आईन शिक्षा सदन पंचकुला की तरफ से लेटर जारी किया गया है। और सभी जो जिले हैं, कम से कम 10 जिलों में ये जॉब आई है, और इसमें कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो ऑलरेडी पहले लगे हुए थे, उनको हटा दिया गया था। तो जो 33 कैंडिडेटों की लिस्ट आई है, और बहुत से साथियों का कहना है कि सर हमारा नंबर नहीं आया क्योंकि हमने हार्टोन पंचकुला में और चंडीगढ़ में ज्वाइनिंग के लिए मेल कर दिया था। देखिए, आप लोगों का अलग मैटर हो गया, वहाँ पे जाके आप आ गए चंडीगढ़ पंचकुला के अंदर, और यहाँ पर जो इसी डिस्ट्रिक्ट में थे या कुछ ऐसे भाई भी जिनकी मेल लेट गई थी या वो ज्वाइनिंग होने के कंगार पर थे, तो उनका उसी डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइनिंग दे दिया। अगर उसका वो होम डिस्ट्रिक्ट है तो उसको वहीं ज्वाइनिंग दे दिया, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो साथी थोड़ा अपने आप को समझ रहे कि सर हमारी ज्वाइनिंग नहीं आ रही है, तो आपकी आ जाएगी चंडीगढ़ पंचकुला में आई जिन्हें वहाँ की रिक्वायरमेंट भेजी है, यानी कि वहाँ की एप्लीकेशन आपने भेजी है। ये जो जिस डिस्ट्रिक्ट में कैंडिडेट थे उनकी है, और यहाँ पर आपको बता दें इनमें वो कैंडिडेट भी हैं जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं लगे हुए हैं। 3 कैंडिडेट तो मेरी आंखों के सामने हैं जो कहीं ना कहीं लगे हुए हैं। कुछ ऐसे साथी हैं जो कहीं और लग रहे होंगे, पक्के भी लग रहे होंगे। कुछ ऐसे इनमें जो हार्टोन में ऑलरेडी पहले लगे हुए हैं, और मैं कहना चाहूँगा जो ऑलरेडी पहले लगे हुए हैं अगर वो आपको सही सूट करा तो साथी वहाँ से नौकरी ना छोड़े, ठीक है, क्योंकि आपको आगे क्या पता कैसा ऑफिस मिलता है और यहाँ किसी और दूसरे भाई की यहाँ पर ज्वाइनिंग हो जाएगी, ये ज़्यादा बेस्ट तरीका है। तो एक दूसरे की तरफ थोड़ा ध्यान से एक दूसरे की मदद करें, थोड़ा उनके लिए भी नौकरी की जगह छोड़े, क्योंकि आप तो ऑलरेडी लगे हुए हो, तो अगर आप उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाओगे तो वो जगह पहले वाली वेस्ट जाएगी, वहाँ पर कोई ना कोई आउटसोर्सिंग से वो अधिकारी लगा देंगे। तो इसमें आप किसी भाई का रोज़गार मिलता है तो इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप प्लीज़ जो ऑलरेडी ज्वाइन है जहाँ पर वो वहीं रहें और नए साथियों को आने दें। इनमें से कुछ साथी ज्वाइन करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, फिर दोबारा लिस्ट आएगी। और ऐसी एक्साइज में बहुत से साथियों का नाम भी गया है, जो साथी हार्टोन में थे वो भी खुद हार्टोन छोड़ के वहाँ पर गए हैं जिनका डिस्ट्रिक्ट दूर था, तो वहाँ भी सीट खाली हो गई। और वहाँ पर बहुत से बच्चों ने, दो तीन चार पांच बच्चे ने उन्होंने ज्वाइन भी नहीं किया, तो वहाँ भी सीट वैकेंट है, यानी कि एक्साइज में भी लिस्ट आ सकती है आपके लिए, और शिक्षा सदन में भी आएगी दोबारा, और ऐसे ही समाज कल्याण हो गया, हो सकता है एग्रीकल्चर में भी आ जाए, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो जिनका नाम आया वो कमेंट बॉक्स में लिखे, सभी साथियों को बहुत बहुत बधाइयाँ हों। और आपको पहुँचना है शिक्षा सदन के अंदर, साधनों के अंदर, आप कल का इंतजार कीजिए। अगर कल आपके पास कोई मैसेज नहीं आता तो परसों आप चले जाइए, आपके पास कल तक कोई ना कोई फ़ोन आ सकता है या मेल आ सकती है अपनी मेल। जिन साथियों की ज्वाइनिंग नहीं आई वो अपनी मेल आईडी चेक करते रहे, डेली अपडेट देते रहे, मुझे आप लोग ही बताते हो कि सर लिस्ट आ गई है, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ मेल चेक कर लो। तो इस सप्ताह में दूसरी लिस्ट जारी होने की संभावना पंचकुला वालों के लिए, तो देखते हैं क्या रहता है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय डालिए। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें और शेयर करें।